हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में नो सडन मूव मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, जिसे आप HBO Max पे इंग्लिश में देख सकते हैं। स्टीवन सोडरबर्ग की ये फिल्म धोखेबाजी, डबल क्रॉस और पैसे कमाने की लालच के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कब कोई किसी के पीठ में छुरा भोंक दे ये कह नहीं सकते। स्पॉइलर को ध्यान में रखते हुए अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म को 1954 में अमेरिका के डिट्रॉयट सिटी में सेट किया गया है, जहां कर्ट गोयंस यानी कि डॉन चैडल, जो पैसे से एक क्रिमिनल है और काम की तलाश में ब्रेंडन फ्रेजर यानी कि डग जोन्स से मिलता है, और वह एक बेबी सिटिंग जॉब के लिए टीम बना रहा है, जहां वो बिनिशियो डेल टोरो यानी कि रोनाल्ड रूसो और चार्ली से मिलता है। और रोनाल्ड रूसो की बात करें तो उसका अफेयर वेनेसा कैपली यानी कि जूलिया फॉक्स से चल रहा है, जो कि इटालियन मॉब बॉस फ्रैंक कैपली की पत्नी है। और तीनों को अकाउंटेंट मैट वार्ड मैट के परिवार को बंधक बना के मैट की सहायता से एक डॉक्यूमेंट हासिल करना है, और इस खेल में डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उस डॉक्यूमेंट का यूज करके और पैसे कमाना है। तो इस प्लान में कामयाब होते हैं या नहीं, या उनका ये फैसला उनकी जान ले लेगा, या फिर खुद ही आपस में लड़ मरेंगे, और उस डॉक्यूमेंट का ऐसा क्या राज है जिसके लिए लोग इतने पैसे दे रहे हैं। तो इस क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी को देखने के लिए आपको अपना समय देना भी चाहिए या नहीं, इसे जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपकी और हमारी सिने टॉकर की फैमिली यूं ही बढ़ती रहे। तो आते हैं फिर से उसी सवाल पे कि आपको आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये इस साल की मस्ट वॉच मूवियों में से एक है, जिसे हमारे सामने बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। तो बात करें इसकी स्क्रीन प्ले और राइटर एड सोलोमन, तो उनका काम शानदार है, जिसे आप एक बार देखने के बाद उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकेंगे। फिल्म की कहानी किसी दोस्त की दोस्ती पर आधारित नहीं है, यहाँ हर करेक्टर अपना ही हित साधने में लगा हुआ है, जहाँ कब कोई किसे धोखा दे दे ये हम बता नहीं सकते, और इसमें बेहतरीन कास्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक का तड़का मिलाकर बेहतरीन मूवी देखने को मिलती है। फिल्म का डायरेक्टर स्टीवन सोडबर्ग ने किया है, जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले ही डायरेक्शन से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था, और जब भी वो अपनी फिल्मों को हमारे सामने लाते हैं तो अब उनकी काम की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। अगर हम उन्हीं की फिल्म से इस फिल्म का कंपैरिजन करें तो ये फिल्म ओशियन 11 से भी बेहतरीन फिल्म है, और जैसे जैसे ये फिल्म अपने पत्ते खोलती है उतनी ही बेटर होती जाती है। भले ही कैरेक्टर्स की धोखा देने की वजह आपको बेमानी लग सकती है, लेकिन फिल्म का अंत होते होते आपको उनके रीजन भी अच्छे लगने लगते हैं, और इसीलिए उस बात से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बात करें फिल्म की एडिटिंग की, फिल्म की एडिटिंग बहुत अच्छी है, जो कि फिल्म के हर करेक्टर को समझाते हुए आपको पूरी तरह से इंटरटेन करने में कामयाब होती है। और बात करें एक्टर्स और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की, तो सभी की परफॉर्मेंस किसी के भी मुकाबले में कम नहीं है, चाहे बात करें डेविड हार्पर के कैरेक्टर की, जो पैसे से एक अकाउंटेंट है और इस सिचुएशन में एक डरे सहमे हुए व्यक्ति का किरदार निभाया है, जो इन झमेलों से जल्दी बाहर निकलना चाहता है, और इस किरदार को निभाते वक्त वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और बात करें फिल्म के लीड कैरेक्टर बेनिशियो डेल टोरो की, तो उन्होंने हमेशा की तरह अपना बेस्ट दिया है, और डॉन चैडल की परफॉर्मेंस आपको फिल्म देखने के बाद भी याद रहती है। वैसे तो फिल्म में और भी स्टार्स हैं, लेकिन मैट डेमन का कैमियो आपको याद रह जाता है। इन्हीं सारे वजहों से ये फिल्म इस साल की मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है। और बात करें फिल्म की रेटिंग की, तो एंटरटेनमेंट ऑडियंस के लिए ये फिल्म 3 out of 5 की रेटिंग डिजर्व करती है। और बात करें फिल्म क्रिटिक्स की, तो उनके लिए ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है, इसलिए वो 4.5/5 की रेटिंग देना चाहेंगे। और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को 5 out of 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप भी अगर मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।